हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अम्बे इलेक्ट्रिकल्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, अच्छे रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम गोकुल कंपनी की मधानी मोटर का ओरिजिनल कंपनी का कॉपर वायर से रिवाइजिंग डेटा जानने वाले हैं। दोस्तों आपने देखा होगा जब हम कोई मधानी मोटर रिवाइजिंग करते हैं तो बहुत ही जल्दी हीट हो के जल जाते हैं या फिर फॉल्ट हो के ख़राब हो जाती है या फिर मधानी मोटर बहुत ही स्लो चलने लगती है। तो दोस्तों इसमें जो कारण होता है वो हम जो मधानी मोटर है उसका जो ओरिजिनल डेटा होता है जो उस मोटर में जो स्टेटर होता है उसके हिसाब से इसमें डाटा यूज नहीं करते हैं। इस कारण से जो मथानी मोटर होती है वो स्लो चलने लगती है या फिर बार बार ख़राब होने लगती है या फिर जल जाती है। तो दोस्तों जो ये जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको मिस बिल्कुल ना करें, वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों इसमें जो हम डाटा बताने वाले हैं आपको ये गोकुल कंपनी की मधानी मोटर का कंपनी का ओरिजिनल डेटा है। अगर ये डेटा आप यूज करते हैं तो जो मधानी मोटर है ये सालों साल तक नई जैसी चलने वाली है। दोस्तों जो ये मधानी मोटर है इसमें जो स्लॉट है मतलब इसमें क्वाल रिवाइंडिंग करनी है ये 24 स्लॉट की है। दोस्तों ये 1440 आरपीएम की 65 वॉट मधानी मोटर है। दोस्तों इसमें जो कैपेसिटर की बात करें इसमें तो 2.5 MFD इसमें कैपेसिटर पे रन करती है। डाटा जानने से पहले हमें इस मधानी मोटर की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी है। तो इसकी जो मधानी मोटर है इसकी सबसे पहले हम इनर डाया जानते हैं, मतलब कि जो इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो यहाँ पे 60 mm है और इसकी जो आउटर डाया है मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की 110 mm आ रही है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे जिसमें जो हमें क्वाइल डालनी है मतलब कि जो पत्ती होती है इसको हम स्टम्पिंग लेंथ बोलते हैं, तो इसकी लंबाई भी यहाँ पे हम जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 150 mm इसकी स्टम्पिंग लेंथ आ रही है। तो दोस्तों इसका जो डाटा है कॉपर वायर से वो जानने से पहले आपसे हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के नए नए वीडियो आपको मिल सके। सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों चलिए दोस्तों हम इसका कॉपर वायर से कंपनी का ओरिजिनल डेटा जान लेते हैं। और दोस्तों जो हमने आपको इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई हुई है जैसे कि इसका ओडी आउटर डाया इनर डाया और इसकी स्टम्पिंग लेंथ, ये आप एक नोटबुक में जरूर नोट कर लें ताकि इस तरह के आपके पास जब भी कोई मधानी मोटर आती है तो जो हम डाटा आपको बता रहे हैं वो डाटा आप यूज करके मधानी मोटर की लाइफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। चलिए इसमें हम डाटा जानते हैं। तो दोस्तों इसमें हमें 4 रनिंग क्वाल लगानी है और 4 स्टार्टिंग क्वाल लगानी है। तो दोस्तों इसमें हम सबसे पहले रनिंग क्वाल की बात करते हैं। दोस्तों हमें यहाँ पे इसमें लच्छी क्वाल नहीं बनानी है, इसमें हमें ग्रुप से मतलब जो ग्रुप वाला फर्मा होता है उस पे हमें इसकी क्वाल बनानी है। तो दोस्तों इसकी जो क्वाल पिच है 1.5 है, 1.5 पे दोस्तों हमें 2 क्वाल बनानी है। क्वाल पिच 1.5 पे 2 क्वाल बनानी है मतलब सिंगल क्वाल। और दोस्तों हमें इसमें जो रनिंग क्वाल है इसके लिए हमें ग्रुप में 2 क्वाल का एक सेट मतलब कि ऐसे ऐसे 2 सेट और बनानी है जिसकी क्वाल पिच 1.5 और 1.7 हो गई। तो दोस्तों जैसे ही हमारे इसमें 1.5 की 2 क्वाले बन जाएंगी और क्वाल पिच 1.5 1.7 के लिए भी 2 क्वाले बन जाएंगी। अब दोस्तों यहाँ पे से एक सवाल आता है कि इस तरह से क्वाल बनाने के बाद हम इस मधानी मोटर में रिवाइंडिंग कैसे करेंगे। तो दोस्तों हमें सबसे पहले क्वाल पिच 1.5 वाली इसमें रिवाइंडिंग कर लेनी है, मतलब यहाँ पे आप देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 इसमें हमारी सिंगल क्वाल है जो क्वाल पिच 1.5 है वो इसमें रिवाइंडिंग कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें जो ग्रुप फर्मा पे हमने 1.5 1.7 के लिए क्वाल बनाई हुई है वो हमें यहाँ पे रिवाइंडिंग करनी है, मतलब कि दोस्तों एक हमें स्लॉट छोड़ के
एक दो तीन चार पाँच, इसमें हम एक रिवार्डिंग कर लेंगे और क्वालिफिकेशन एक साथ के लिए इसमें और इसमें रिवार्डिंग कर देंगे। इसके बाद दोस्तों इसके जस्ट बगल में हमको क्वालिफिकेशन एक पाँच वाली रिवार्डिंग करनी है कुछ इस तरह से। दोस्तों इसके बाद जो एक पाँच एक सात वाली दूसरी कॉल बची है और लास्ट कॉल है वो हम यहाँ पे रिवार्डिंग कर देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें रनिंग कॉल में एक पाँच पिच वाली दो कॉल और एक पाँच एक सात वाली भी दो कॉल रिवार्डिंग इस तरह से कर लेना है और टोटल यहाँ पे चार कॉलें लग जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे एक कॉल में टर्न की बात करें तो यहाँ पे हमें 420 टर्न करने हैं और बाय गेज की बात करें तो इसमें हमें 35 नंबर कॉपर वायर यूज करना है। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी रनिंग कॉल की बात। अब दोस्तों हमें यहाँ पे स्टार्टिंग कॉल भी इसमें रिवार्डिंग करनी है। तो दोस्तों स्टार्टिंग कॉल और रनिंग कॉल बिल्कुल सेम है। दोस्तों यहाँ भी हमें कॉल पिच एक पाँच पे दो कॉल बनानी है और एक पाँच एक सात पे भी दो कॉल बनानी है। दोस्तों रिवार्डिंग का जो फॉर्मूला है वो सेम रनिंग कॉल जैसा है, जैसे कि हमने कॉल पिच एक पाँच की इस प्रकार हमें रिवार्डिंग कर लिया, इसके जस्ट बगल से एक पाँच एक सात वाली रिवार्डिंग करनी है, फिर दोस्तों हमें एक पाँच वाली रिवार्डिंग करनी है और जस्ट इसके बाद एक पाँच एक सात वाली कॉल रिवार्डिंग करना है। और दोस्तों आप एक बात और नोट करें, इसमें जो कॉल है वो लच्छी कॉल नहीं बनानी है हमको, मतलब कि जो लंबी कॉल बनाते हैं वो कॉल इसमें नहीं बनानी है। इसमें हमें ग्रुप फार्मा से एक पाँच और एक सात वाली कॉल बनानी है। इस तरह से हमने चार कॉल इसमें स्टार्टिंग भी यूज कर लिया है। दोस्तों इसमें कॉल टर्न की बात करें तो सेम रनिंग कॉल जैसा 420 टर्न करनी है और वाय गेज की बात करें तो इसमें भी हमें 35 नंबर कॉपर वाय यूज करना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है इसमें 35 नंबर टोटल कॉपर वाय कितना लगेगा। तो दोस्तों इसमें 260 ग्राम कॉपर वाय 35 नंबर यूज किया जाता है। दोस्तों अगर आप इस तरह से जो मधानी मोटर होती है आप रिवार्डिंग करते हैं तो मोटर की लाइफ काफी सालों तक बिल्कुल नए जैसी बनी रहेगी और मोटर फॉल्ट होनी होगी ना मोटर की स्पीड कम होगी। तो दोस्तों जो चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहे सबसे पहले, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। और दोस्तों हमें कमेंट करके आप भी हमें जरूर बताएं कि आप जो हमारा वीडियो देख रहे हैं आप किस शहर से हमारे वीडियो देख रहे हैं।